आज हम कुछ नया बना रहे हैं और खास खास मेहमान आ रहे हैं, तो वीडियो से आप लोग जुड़े रहने, बहुत ही जबरदस्त आज की वीडियो होगी। तो रिहाना आप भी आई हुई है, तो दोनों साथ मिलके बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो से आप लोग भी जुड़े रहने, क्योंकि आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होगी। तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी, काफ़ी सही, क्योंकि कुछ मेहमान, खास मेहमान आ रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे कि आज हमने उनको बुलाया है। एक दावत हमने दिन को भी की है, क्योंकि वो बकरी की, वो मेरी वीडियो नहीं थी, वो जवेद की वीडियो थी, तो वो हो चुकी है ख़त्म। तो अभी हमने मुर्गी का गोश्त मंगवाया है, तो इसलिए अब हम बिरयानी बना रहे हैं इतने तीखे। तो जी जो है ना, मिर्चें मैं स्पेशल ले आया हूँ, तो स्पेशल मेहमान है तो स्पेशल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आज मंगवाई हैं। तो इंशाल्लाह आज मेहमानों के लिए ख़ास इंतज़ाम होगा। उधर से मेरी बहना, मेरी प्यारी बहना रिहाना आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मुझे दें, मैंने मिर्चों के साथ क्या करना होता है ये तो वो भाभी जानते हैं। भाभी कहते हैं जब ये इसके हाथ लग जाए ना तो फिर खैर नहीं होती। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रेडी है। तो एक खाना जो है ना वो रिहाना बनाएगी, साथ में एक जो है ना सालन भी बनाएगी। मैं बस मिसाले बना के दूंगी। अच्छा ये तो फिर ज्यादती है। क्यों? और क्या, आप सिर्फ मिसाले बना के छोड़ दोगी? ज्यादती तो आपने की हुई है ना, देखो तो यहाँ को मैं असल में ना इस मौसम के जो प्याज होते ना वो ऐसे होते हैं। जी तो माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज्यादा तीखे हैं और महंगी भी माशाल्लाह बहुत है। और अदरक आ चुकी है, लहसुन आ चुका है, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह आ चुके हैं, अभी गोश्त आना बाकी है। रोटियां जो है वो बाहर से लगवाएंगे, पता नहीं शायद हो सकता है पका भी दें। जी जनाब, रोटियां बाहर से लाए? नहीं नहीं नहीं, बाहर से ले आओ। अच्छा देख लो, इसके कहती है बाहर से ले आओ रोटियां। सही बात है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आज की बिरयानी देखने वाली होगी इंशाल्लाह। खाने वाली भी साथ में होगी। हाँ खाने वाली भी साथ में होगी, सिर्फ देखने वाली नहीं होगी। हो जाता है ना, देखने में बड़ी मजे की नजर आ रही थी, खाने में जाना फिर बस खाने वाले को पता होता है। सही बात है। इंशाल्लाह आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा इस वीडियो को देख के। तो इंशाल्लाह आगे की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। तो जी दो मशीनें लग गई हैं। जी तो रिहाना आप ही जो है ना वो आ चुकी है। तो रिहाना ने कहा साबरा जो है ना लेट हो जाएगी, तो फास्ट काम करते हैं। इधर जो है ना ये देखें शापर वगैरह रख दिए हैं, चावल जो है ना ये इसमें है, तो फिलहाल निकाले नहीं है इन्होंने, बच्चे वगैरह आ चुके हैं तो वो भी साथ खाएँगे। वो आई हुई है, असद आया हुआ है। हाँ सत, क्या हाल है? ये क्या किया हुआ है आपने? शलवार जो है ना अपनी, आप अपनी सेट करवाओ। इधर से मानो आई हुई है नूर फातिमा, ये नूर फातिमा, नूर फातिमा खेल रही हो, नूर फातिमा आराम करो। इधर से मानो, उधर से फिर अक्सा है, अक्सा ज़्यादा वीडियो में नहीं आती। क्या हुआ? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारा रेडी हो चुका है। तो अभी जो है ना वो बनाना शुरू करेंगे रेसिपी। पता नहीं ये गाजरें किस लिए हैं, अपना रिहाना जी, ये गाजरें किस लिए हैं? ये साबुत डाल देंगे आज बिरयानी में। हाँ हद है कि आज तक किसी ने नहीं डाली होगी ना, कोई स्पेशल जो हम बिरयानी बना रहे हैं ना, तो उसमें जो है ना साबुत गाजरें डालेंगी। अच्छा साबुत मिर्चें डालेंगी। अच्छा चावल भी साबुत साबुत होंगे। ठीक है जी, ओके करें। हमारा गरम हो चुका है, सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए। वो तो पीला जो है ना वो रख दिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट आ गया जनाब। जी सर जी, क्या बचा? प्याज भी नहीं, ये भी सही है, बहुत जबरदस्त तरीके से चावल बनेंगे इंशाल्लाह, बिरयानी होगी बहुत वीआईपी, क्योंकि आज गाजरें डाल रही है ना। मैंने रख दिया, आप क्यों मजाक बना रहे हो? रिहाना तो कहती है डालेंगे। हाँ
मैं तो कहती साबुत डालें, लेकिन भाभी कहती है फिर खाएगा कौन, मुझे ना खानी पड़ जाए। आप जो है ना मेहमानों के सामने में शर्मिंदा क्यों होना चाहती हूँ? अच्छा नहीं वैसे ना, वो तो चाइनीज चावल डालते हैं। हाँ चाइनीज में अच्छे लगते हैं सच में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यार सीधा करो। मैंने कहा है ना ये एक तरफ से ना वो टेढ़ा हो जाता है, तो अब इसमें डालेंगे घोल या इसको तो पानी 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 फिर भी आ जाता है ना, आराम से इस साइड पे आ जाएगा। ये काम बनने वाला नहीं है। मैं बताता हूँ इसका आपको हल, वेट करो। इस साइड पे एक चीज रखते हैं वो रख देते हैं, सीधा करो इसको। असल में ना मैं तो काफी अच्छे के बाद आई हूँ ना, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। इसको पकड़ के हिलाते हैं हमेशा हमेशा, इसको पकड़ के हिलाते हैं या ना। इसको थोड़ा भूनने देंगे। हमारा लाल मिर्च डालेंगे, तो ये बस ये सारे मसाले आप ऐड करेंगे सब। और ये हमारे पास टमाटर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मसाला तैयार होगा उसके बाद हम इसमें जीरे डालेंगे। अभी ये देखिए हमारा मसाला तैयार होने में तकरीबन एक डेढ़ मिनट और लगेगा, क्योंकि ये देखिए अभी आपको टमाटर नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद जो बाकी मसाले बचे हुए वो डालेंगे। साबुत गर्म मसाला डाल रही हूँ ताकि गोश्त में से टेस्ट आए, तो बाकी जो बचा हुआ है ना वो जब पानी को उबाल आएगा चावल डाल देंगे, उसके बाद डालेंगे। और जो है ना बस ये चाइना नमक है हमारे पास। वैसे ये डालना नहीं चाहिए रियाना? हाँ डालना तो नहीं चाहिए, फिर ये पड़ी हुई जो है यहाँ पे पानी डालते हैं। अभी जो है ना पानी डालेंगे क्योंकि रिहाना भी फिर मसरूफ। छः किलो पानी आएगा 3 kg चावल में रिहाना। नमक अभी मैंने नहीं डाला इसमें। नमक बाद में डालोगे? पानी में डाल देंगे नमक। नमक पानी में डाल दो। तो जी डालते हैं अभी नमक, नमक घस ले जाएगा फिर चखेंगे उबाल जब आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं इतना ही डाल रही हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और मगरिब के बाद का टाइम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान भी आ चुके हैं, तो दम पे चावल लगा दिए हैं। तो इंशाल्लाह आगे फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं आप बहन भाइयों से शेयर करूंगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेहमान मेरे प्यारे भाई सब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी भी बहुत ही अच्छी बनी है, रायता वगैरह ले आए हैं, कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं, ये सामने बैठे हैं भाईजान। भाईजान क्या हाल है? सिर्फ आपसे बात करनी है, बाकी ये तो आप जानते हैं इनकी शक्ल को डेली जो है ना दूसरे तीसरे दिन जो है ना मैं दिखाता हूँ। ये है मेरे प्यारे भाई, इधर तो देख लो प्यारे भाई। वाह क्या हाल है, कैसी बनी है बिरयानी? बहुत अच्छी बनी है। चलो जी मैं जो है ना अपने मेहमानों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। अगर आप बहन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा प्यारे भाई सबसे मेरी गुजारिश है सिर्फ एक दफा इधर देख के बहनों और भाइयों को ये कह दें कि वीडियो को लाइक तो कर दें। जी बिल्कुल वीडियो को लाइक करें जनाब, लाइक करें शेयर करें। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ओके अल्लाह हाफिज जी।